गाजियाबाद एसएसपी द्वारा चलाए गए ऑपरेशन 420 गाजियाबाद को लेकर फर्जीवाड़ा करने वाले गिरोह को धर दबोचा जा रहा है, मगर ये फर्जीवाड़े केस दिन प्रतिदिन सामने आ रहे हैं। ऐसा ही मामला गाजियाबाद के कस्बा मुरादनगर के दरगाह इलाके का है, जहां सादिक उर्फ मल्लू व उसका ही भाई शहजाद ने इलाके की महिलाओं समेत आसपास के गांव वालों को सरकारी फ्लैट व सरकारी नौकरी जैसे झांसे देकर उनसे लाखों रुपए ऐंठ चुके हैं। वहीं इस मामले पर पीड़ितों ने चामुंडा चौकी में तहरीर देकर जल्द से जल्द इन लोगों पर कार्यवाही करने की मांग की है। वहीं आला अधिकारियों से इस मामले का संज्ञान लेकर उनके पैसे वापस दिलाने की गुहार भी लगाई है। गाजियाबाद से अफशारुल हक की रिपोर्ट, प्राइम टीवी न्यूज। नमस्कार आदाब, मैं अफशारुल हक आप सभी का स्वागत करता हूं प्राइम टीवी न्यूज चैनल पर। आज हम खड़े हैं मुरादनगर कस्बे में, जहां पर एक चामुंडा चौकी के अंतर्गत क्षेत्र में एक मामला सामने आया। उस मामले में महिलाओं के साथ फ्लैट को लेकर एक फर्जीवाड़ा मामला सामने आया है, जिसको लेकर महिलाओं ने यहाँ आज तहरीर भी दी है। जानते हैं कि महिलाओं के साथ ये असल में तहरीर और ये फर्जीवाड़ा कैसे हुआ। जी, मामला क्या था ये? इन्होंने हमसे पैसे लिए कि मैं फ्लैट दिलवाऊंगा, तो हमने इसके चक्कर में आके दे दिए पैसे। हमने 60,000 रुपये दिए। कितने? 60,000 रुपये। अब इनसे कहते हैं तो इन्हें हाँ आ जाएगा फ्लैट, और ये सब बच्चों के भी तलक ले लिए कि मैं वो निकलवा के दूंगा, तो मैं जन्म पत्री इनके हज़ार हज़ार लिए हैं, किसी के फ्लैट में तो मैं दूसरी मंजिल पे दिलवाऊंगा, उसके 10,000 लिए हैं कि देने हैं मुझे उनको। तो अब तक कितने पैसे ले चुके हैं? 60,000 ले चुका हूँ। आपसे 60,000 रुपये, आप सबके कितने होंगे? ये तो देखो इनको पता है, और 30,400 लेंगे। कितने हैं? 30,400। तो ये आपके पास आए थे तो क्या बोला था इन्होंने? इन्होंने बोला आपके बेटे की नौकरी लगवाएंगे हम, और क्या नाम जी के आपको एक फ्लैट दिलवाएंगे, ये अब जो नौकरी नहीं लगी तो 5,00,000 रुपए चेक लो या कैश लो, इस तरीके से इन्होंने बोला मुझे। तो आपके कितने पैसे? 8,300 रुपए हैं। हमारे भी इनकी वजह से, इनके घर में फार्म भरा था इन्होंने कि हम आपको भी इनके साथ साथ तुम्हारा भी काम हो जाएगा। तो देख रहे हैं किस तरह से नौकरी का झांसा, फ्लैट का झांसा और ना जाने किस तरह के झांसे दिए जा रहे हैं। अभी तक पुलिस इसमें कार्रवाई कर रही है और मामले को जल्द से जल्द संज्ञान लिया जाएगा। कैमरामैन